वीरपुर के बाद जौनपुर सीआर के हमले से दहशत में है। जौनपुर में सीआर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। सीआर के हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआर ने कई पशुओं को भी काटा है। कुत्ते के हमले में सीआर की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सीआर के हमले में 10 लोग वहां पर घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जंगली जानवर के हमले से जौनपुर में दहशत है। सीआर ने ग्रामीणों पर वहां पर हमला किया है। तो सीआर के हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है, कुल कितने लोग अब तक घायल हो चुके हैं? देखिए अनुपम, ये जौनपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जौनपुर के मछलीसर ब्लॉक क्षेत्र के ये लासा गांव की ये पूरी तस्वीर है, जहां पर ये आदमखोर कह लीजिए या कह लीजिए कि पागल सीआर के हमले से एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में ग्रामीणों को वो हमला किया है और घायल किया है। पागल सीआर ने न केवल पुरुषों को निशाना बनाया बल्कि उसमें कुछ महिलाओं को भी काटकर घायल किया है। जैसे ही ये घटना गांव में पहुंचती है और लोगों को जहन में ये बहराइच की घटना याद आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी जो है जंगली जानवर या जो नहीं जिनको जानकारी थी वो भी सहमे हुए थे भेड़ियों के आतंक से। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एक एक कर सोते समय ग्रामीणों पर जब हमला कर रहा था जंगली जानवर, जिसे लोग अब बता रहे हैं सीआर के हमला है, वन विभाग की टीम ने बताया कि सीआर काटने से यह हमला हुआ है, उससे लोग दहशत के साए में जी रहे थे। सूचना पर मेडिकल की टीम पहुंचती है, एम्बुलेंस के जरिए जो है घायलों को ग्रामीणों को अस्पताल लाया जाता है, पास के सरकारी अस्पताल, वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दवा और टीडी देकर जो है उपचार के बाद घर के लिए छोड़ दिया जाता है और समय समय पर इलाज के लिए जो है अस्पताल की टीम बताती है। इस विषय में की जैसी जानकारी वन विभाग टीम को जो होती है, स्थानीय जो ब्लॉक लेवल पर जो तैनात होती है फॉरेस्ट टीम, वो पहुंचती है वहां पर ग्रामीणों की मदद से। उसके पहले ही ग्रामीण और जो गाँव के आवारा कुत्ते होते हैं उनके जो द्वारा जो पीछा किया जाता है, तो उसके हमले से जो है उस जंगली जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।